हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं। और ये है सुबह का टाइम। हम आए हैं अपने प्याज के खेत में। ये देखिए मेरा प्याज कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा हो गया है। इसमें मूली भी मतलब लगाए हैं। ये देखिए हमारे हस्बैंड खड़े हैं, कितना पेड़ के पत्ते गिरे हैं, वो सब आम का पत्ता है। देखिए हम आ गए हैं अपने खेत में। अब मिट्टी खुदी आ रहे हैं ना, जब तक मतलब मिट्टी को बार बार खुदे आना पड़ता है, तभी प्याज हो या लहसुन हो तभी बैठता है, नहीं तो उस तरह नहीं बैठता है, कई बार करना पड़ता है। तो हमने प्याज के खेत में शायद 2 ही बार कोड़ियाई थी माटी, कि एक बार इतना हमको याद नहीं है। तो वही अब सोचे टाइम है तो इसको भी कुड़िया देती हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा हो गया है। और ये देखिए इधर मेरे बाबू खेल रहे हैं। प्याज का वो बड़ा हो गया है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार कुड़िया के इसको छोड़ देते हैं। तो वही हम काम कर रहे हैं। इधर हमारे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, ये लोग तो साथ ही में लगे रहते हैं, कोई काम करे या ना करे काम बढ़ाते ही हैं। और हम बैठ के इसलिए काम नहीं कर रहे थे ताकि जब भी बैठ रहे थे तो टूट जा रही थी प्याज, इसीलिए हम खड़े होकर ही, खड़े होकर नहीं झुक के ही कर रही थी। कभी खड़े हो जा रही थी जब कमर ज़्यादा दुखने लगता था, तो झुक के ही मैं कर रही हूँ काम। देखिए कैसे इधर का है। और ये जो खाली जगह है इसमें हम लोग बोए हैं, वो जो कोहड़ा होता है, लौकी होता है, खीरा होता है, सब लगाए हैं। अब देखिए अभी कैसे फरेगा कि नहीं फरेगा, अब ये भगवान जाने। अभी तो बहुत छोटा छोटा वृक्ष है, कितना पत्ता है, मतलब डबल काम हमको लग जा रही थी। पहले पत्ते फेंको बीन के, उसके बाद से तब कोड़ियाओ माटी को। इतना इधर पेड़ ही है, मतलब जंगली एरिया टाइप है ना, इसीलिए मतलब ये सब होता है, ज़्यादा पत्ते उत्ते घास फूस दिखता है। और इधर हमारे हस्बैंड उखाड़ रहे हैं बकला, हमारी लड़की इधर खेल रही है। ये जब हम प्याज कुड़िया लिए थे फिर घर पे आ गए थे खाना वाना खा के, उसके बाद ये दोबारा हमारे हस्बैंड गए हैं तो वही बकला उखाड़ रहे हैं। बाबू सोया हुआ है तो हम भी आए थे तो इसीलिए हम थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये देखिए हमारा रूम जो दिख रहा है ना, दोनों दरवाजा बंद है, वही हम लोग का रूम है, उसी में रहते हैं हम लोग। ये जो दिख रहा है ये पुराना सब मकान है पहले का, पहले इसमें लोग रहते थे, अब नहीं रहते हैं। कट नहीं पा रही थी ना तो इसीलिए इसको उखाड़ना पड़ रहा था। और इधर हम धनिया को लतिया रहे हैं, इसको लतियाने से ही निकलती है, इसको पीटने से इसका डंठल टूट जाता है, इसीलिए इसको लतिया रही हूँ। पीटेंगे जब ये अच्छे तरह से सूख जाएगी तो थोड़ा थोड़ा मतलब पीट के तब इसको अच्छे से रखेंगे, अभी तो कच्चा है ना। और हम नहा लिए हैं, हमारे बच्चे बच्चे नहाए नहीं, ये मुँह हाथ धो के घर में आ गए हैं। और हम दे रहे हैं अपने लड़की को दूध, क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मी मुझे दूध दो, तो हम उसको दूध दे रही हूँ। इधर मेरा बाबू खेल रहे हैं। देखिए कैसे पीछे पीछे पड़ी है, इसकी यही प्रॉब्लम है, अपने हाथ से इसको दूध देख तो दो, ये नहीं कि चलो अपने हाथ से पी लेगी, तो नहीं पीती नहीं अपने हाथ से, हम पिलाएंगे तो ही पिएगी। किसी के हाथ से नहीं पीती है। वही
और इधर हम कर रहे थे आप लोग से बातें, हेलो है, मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग से कह रही थी कि कल का हम लोग इतना अबीर खेले थे, तो वही मतलब मेरे बाल में लग गई थी तो मेरा सिर बहुत दुख रहा था, तो वही हम आप लोग से कह रहे थे कि मतलब होली आदमी ऐसे खेल खेलने को खेल लेता है, बाद में तो पता चलता है कि कितना मतलब शरीर दुखता है, कितना सिर दुखता है। ये देखिए हमारा बाबू इधर खेल रहा है। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। और हमें बनाना था शॉर्ट वीडियो, लेकिन वो बनाने नहीं दे रहा था, वही हम आप लोग से कह रहे थे। और हाँ दोस्तों, हमारा ब्लॉग सिर्फ इतना ही तक था, वही हम आप लोग से बोल रहे हमारे वीडियो को देखिएगा, इतना ही तक था, हमें सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग लाइक भी कीजिएगा, सारा प्यार दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही तक था।